क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग कंडीशनल कंपाइलेशन मैक्रोस के बारे में जानेंगे। जब हमने इस सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज़ को शुरू किया था, तभी मैंने आप लोगों को इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सिखाया था। आप लोगों को याद होगा तो हम लोग पहले राइट करते हैं इफ़, और उसके बाद हम लोग एक एक्सप्रेशन को राइट करते हैं, और अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट करता है, यू नो अदर देन जीरो अ नॉन जीरो वैल्यू, तो हम लोग जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग उस इफ़ ब्लॉक के अंडर राइट करते हैं उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है और हमने अपने प्रोग्राम पे एस एल्स ब्लॉक लिखा है, तो हमारे जो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया था कि आप लोग कैसे मल्टीपल एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं एल्स इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कैसे हम लोग उसे नेस्ट कर सकते हैं, जिसके मतलब है कि एक इफ एल्स के अंदर हम लोग कुछ और इफ एल्स को राइट कर सकते हैं। तो अभी मैं उस इफ एल्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सी प्री प्रोसेसर हमें कुछ कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड करता है। ये कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स हमारे इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जैसे ही है, पर एक डिफरेंस है कि जब हम लोग इस कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं, तभी ये प्री प्रोसेसर के लिए कमांड्स होंगे, प्री प्रोसेसर इसे एग्जीक्यूट करेगा, और अगर अपना एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट होता है और नॉन ज़ीरो पे इवेलुएट होता है, तो जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग राइट करेंगे वो प्री प्रोसेसर जो इंटरमीडिएट कोड प्रोड्यूस करता है उस पर एग्जिस्ट हो जाएंगे। अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है, ज़ीरो रिटर्न करता है, तो जो भी स्टेटमेंट्स उस ब्लॉक के अंदर है वो अपने सी प्री प्रोसेसर के आउटपुट फाइल जो है, जो इंटरमीडिएट फाइल जो है, उस पर एग्जिस्ट नहीं होंगे और वो कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए नहीं जाएंगे। तो अभी आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा सोचेगा मत, क्योंकि जब हम लोग इसे एग्जाम्पल पे देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया, ये कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स हमें अपने सोर्स कोड पे कुछ स्टेटमेंट्स को कुछ कंडीशन के हिसाब से कंपाइल करने का या ना करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोग्राम को राइट करेंगे और उस प्रोग्राम को हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, अपने इस प्रोग्राम को हमें इंडिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूएस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पाकिस्तान पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंग्लैंड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें बहुत कंट्री पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आप लोगों को ये पता ही है कि कुछ चीज़ें डिफरेंट कंट्री पे डिफरेंट डिफरेंट होता है और कुछ चीज़ें कॉमन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम पे क्या करेंगे, जो कॉमन कोड है, जो हर एक कंट्री में भी सेम है, उसे लिखेंगे, और उसके बाद जो कोड हर एक कंट्री पे डिफरेंट है उसे कंडीशनली कंपाइल करेंगे। मतलब है कि जब हमें अपने कोड को इंडिया को देना है, तभी कॉमन कोड है वो आएगा, और उसके बाद जो भी कोड इंडिया के लिए चाहिए उसे ही कंपाइल करके एप्लीकेशन बना के इंडियंस को देंगे। जब हमें अपने कोड को यूएस के लिए देना है, तो कॉमन कोड को हम लोग ज़रूर यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी कोड अमेरिका के लिए चाहिए, यूएस के लिए चाहिए, उसे कंपाइल करके एक एप्लीकेशन बना के उन्हें देंगे। तो अमेरिकन वालों को इंडिया के लिए जो कोड है वो नहीं आएगा, और इंडियंस को अमेरिका या किसी और कंट्री के लिए जो कोड है वो नहीं आएगा। तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को डिफ़ाइन करूँगा, यू नो मैक्रोस को डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे होगा हैश डिफाइन, और उसके बाद मैं पहले इंडिया को डिफ़ाइन करूँगा, मैक्रो टेम्पलेट इंडिया, और यहाँ पे मैं सेव करूँगा एक्सपांशन कोड 1, उसके बाद यूएस एक्सपांशन कोड होगा 2, और हैश डिफाइन पाक एक्सपांशन कोड होगा 3। तो अभी हम लोग एक और टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, और इसे मैं कहूँगा हैश डिफाइन कंट्री। अभी किस कंट्री के लिए अपने प्रोग्राम को भेजना है उसे हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस मैक्रो को डिफाइन करते वक्त हम लोगों ने प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो को यूज़ किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कॉमन कोड को लिखेंगे पहले,
यहाँ पे मैं कहूँगा कोड फॉर द यूनिवर्स, सबके लिए कॉमन है। और उसके बाद अभी पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमें अपने कोड को इंडिया के लिए भेजना है, तो हमें इंडिया के लिए जो कोड है उसे लिखना है। और जब हम लोग अपने कोड को यूएस के लिए देंगे तो हमें जो इंडिया के लिए कोड है वो नहीं चाहिए, तो हम लोग कंडीशनल कंपाइलेशन करेंगे। तो कुछ कंडीशन के हिसाब से कुछ कोड को कंपाइल करेंगे और कुछ कोड को कंपाइल नहीं करेंगे। तो हम लोग कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स को यूज़ करेंगे, और उनमें से पहला वाला है हैश इफ़। यहाँ पे हैश सिंबल इसलिए है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यहाँ पे हैश सिंबल यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोगों को एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है और एक कंडीशन को फॉर्म करना है। यहाँ पे जैसे आप लोग इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते वक्त एक्सप्रेशन को फॉर्म करते थे, ऐसे ही कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन जो है वो सिंपल सा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्री इक्वल टू इंडिया, इफ़ कंट्री इक्वल टू इंडिया। और उसके बाद हम लोग एंड हैश एंड इफ़ को यूज़ करेंगे, ये मार्क करता है कि हमारा इफ़ ब्लॉक जो है उसका एंड यहाँ पे होता है। तो अभी अगर कंट्री इक्वल टू इंडिया ये एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट करता है, तो हम लोग यहाँ पे इंडिया के लिए जो स्टेटमेंट्स है उसे लिखेंगे। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि कोड फॉर द इंडियंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सेव करके बिल्ड एंड रन करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोड फॉर द यूनिवर्स कॉमन कोड है, और उसके बाद इंडिया के लिए जो कोड हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ये इसलिए एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इफ़ कंडीशनल कंपाइलेशन के वक्त एक्सप्रेशन पे इफ़ कंट्री इक्वल टू इंडिया स्पेसिफाई किया था, और यहाँ पे हम लोगों ने कंट्री इंडिया भी लिखा है और स्पेसिफाई किया है। तो ये एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट करता है और जो स्टेटमेंट इंडिया के लिए है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के वक्त आप लोग देख सकते हैं इंडिया को हम लोगों ने एक डिफाइन किया है, तो यहाँ पे आएगा एक, और यहाँ पे इस कंट्री के बदले में एक्सपांशन कोड इंडिया आएगा, तो इंडिया आएगा, और इंडिया के लिए एक्सपांशन कोड 1 है। तो इफ़ 1 इक्वल टू 1 ट्रू है और ये एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्री प्रोसेसर के आउटपुट को देखेंगे। मैंने आप लोगों को एक वीडियो पे सिखाया था कि कैसे आप लोग सी प्री प्रोसेसर के आउटपुट को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों को पहले उस वीडियो को देखना होगा, और आप लोगों को ये जानना होगा कि कैसे आप लोग प्री प्रोसेसर के आउटपुट को देख सकते हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो जो मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट करूँगा वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा शायद। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और हम लोग उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम को सेव किया है और इस प्रोजेक्ट को सेव किया है। मैंने इसे सेव किया है मेरे डेस्कटॉप पे ट्यूटोरियल्स फोल्डर के अंदर, एक और फोल्डर हैश इफ एल्स बना के उस फोल्डर के अंदर सेव किया है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद मुझे क्या करना है, CPP कमांड को यूज़ करके सी प्री प्रोसेसर को कॉल करना है, और उसके बाद जिस फाइल पे मेरा सोर्स कोड है उसे स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे है main.c, और इसके आउटपुट को हम लोग एक टेक्स्ट फाइल पे रिडायरेक्ट करेंगे ताकि हम लोग बाद में आराम से उस आउटपुट को देख सके। तो मैं उसे नाम दूंगा output.txt, और उसके बाद एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं आया, इसका मतलब है कि ये रिडायरेक्शन सक्सेसफुल हो गया है और प्री प्रोसेसर का आउटपुट जो है वो अभी इस output.txt फाइल के अंदर है। तो मैं अभी इसे मिनिमाइज़ करके उस फोल्डर को ओपन करूँगा जहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव किया है। तो इफ एल्स, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं output.txt फाइल जो है, और यहाँ पे मैं इसे ओपन करूँगा मेरे notepad++ पे, और अभी आप लोग देख सकते हैं अपना output.txt फाइल है। और हम लोग एंड पे जाएंगे तो यहाँ पे एंड पे आप लोग देख सकते हैं पहले हम लोगों को कोड फॉर द यूनिवर्स जो कॉमन कोड है वो आया है,
और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोड फॉर द इंडियंस आया है। वो इसलिए आया क्योंकि ये एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट किया और उसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये अपने सी प्री प्रोसेसर के आउटपुट जो इंटरमीडिएट कोड है उस पर आ गया है और ये कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए जाएगा और उसके बाद अपने एप्लीकेशन में ये कोड आएगा। तो ये कोड जब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करते हैं इंडिया पे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट को लिखा है, आप लोग बहुत सारे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। और एक बात देखिए, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को फॉर्म करते वक्त आप लोग जैसे हम लोग इफ एल्स के लिए करते थे वो सारे चीज़ यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे कंट्री को चेंज करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोगों को US के लिए कोड लिखना है, तो मेरा कंट्री होगा, अभी मैंने चेंज कर दिया है US के लिए। और अभी अपने प्रोग्राम पे हमने US के लिए स्पेसिफिक कोड नहीं लिखे हैं, और उसके लिए कोड लिखने से पहले मैं आप लोगों को इसे एक बार रन करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं कोड फॉर द यूनिवर्स कॉमन कोड जो है वो आ गया है, पर ये कोड जो हम लोग ने इंडिया के लिए लिखा है वो यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है कंट्री इक्वल टू इंडिया ये फॉल्स इवैल्यूएट होता है। क्यों? यहाँ पे इंडिया मैक्रो के लिए हमने मैक्रो एक्सपेंशन कोड लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे इस कंट्री के बदले में US आएगा, और US के लिए हम लोगों ने एक्सपेंशन कोड लिखा है 2, सो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा इफ़ 2 इक्वल टू 1 विच इज़ फॉल्स, और उसकी वजह से जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे इस इफ ब्लॉक के अंदर लिखा है वो अपने सी प्री प्रोसेसर के आउटपुट जो इंटरमीडिएट कोड है उस पर नहीं आएगा। तो कंपाइलेशन के वक्त ये स्टेटमेंट ही नहीं रहेगा और एप्लीकेशन पे ये स्टेटमेंट नहीं आएगा, और जब हम लोग रन करेंगे तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है तो वो कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है ना। तो अभी मैं आप लोगों को सी प्री प्रोसेसर का आउटपुट को एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो हम लोग फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और प्री प्रोसेसर को कॉल करेंगे और उसे output.txt पे रीडायरेक्ट करेंगे प्री प्रोसेसर के आउटपुट को, और मैं उस फाइल को ओपन करूँगा। अभी पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ओपन किया है तो रीलोड करना चाहता है क्योंकि कंटेंट्स मॉडिफाइड हो गए हैं। यस, और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्री प्रोसेसर के आउटपुट, और एंड पे अगर हम लोग आके देखें तो अपने मेन फंक्शन के अंदर ये कोड फॉर द यूनिवर्स है, कॉमन कोड है, पर इंडिया के लिए हमने जो कोड लिखा है वो नहीं है। तो प्री प्रोसेसर के इंटरमीडिएट कोड पे हमने जो इंडिया के लिए स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो नहीं आएगा और वो स्टेटमेंट्स कंपाइल ही नहीं होंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, US के लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फिर से एक हैश को यूज़ करके इफ़ कंट्री इक्वल टू US करके लिख सकते हैं, पर हम लोगों का एक और ऑप्शन अवेलेबल है, वो है कि यहाँ पे अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है तो हम लोग कुछ और एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए इफ़ सम एक्सप्रेशन, उसके बाद स्टेटमेंट्स, और उसके बाद else if को यूज़ करके कुछ और एक्सप्रेशन को चेक कर सकते थे, ऐसे भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा हैश एल इफ, याद रखिए else if नहीं हैश एल इफ, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा कंट्री और इक्वल टू US, US नॉट OS, और उसके बाद हम लोग जो स्टेटमेंट हमें US के लिए एग्जीक्यूट करना है उसे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पे मैं कहूँगा फॉर द US, कोड फॉर द US, ठीक है। अभी हम लोग इसे बिल्ड एंड रन करेंगे और अभी आप लोग देख सकते हैं कोड फॉर द यूनिवर्स आ गया है, उसके बाद कोड फॉर द US आ गया है। तो शायद मैं अभी समझता हूँ कि मुझे प्री प्रोसेसर का आउटपुट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी एक आइडिया आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अपने सी प्री प्रोसेसर के आउटपुट पे यहाँ पे इफ़ का एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है, कंट्री इक्वल टू इंडिया फॉल्स आएगा, तो ये इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो else if की कंडीशन को चेक किया गया, else if कंट्री इक्वल टू US ये ट्रू है तो यहाँ पे इन जो US के लिए जो स्टेटमेंट्स है वो अपने
प्री प्रोसेसर के आउटपुट पे इंक्लूड हो गया है और वो कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए जाएगा, और जब अपना एप्लीकेशन बनेगा तो कॉमन कोड के साथ, यू नो, सब कंट्री के लिए कॉमन कोड के साथ सिर्फ यूएस के कोड आएंगे, इंडिया के कोड नहीं आएंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप लोग प्री प्रोसेसर के आउटपुट को ओपन करके देख सकते हैं। मैं करना चाहता था पर यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे स्किप करना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को पाकिस्तान के लिए कोड लिखना है तो हम लोग फिर से हैश इफ को यूज़ करके पाकिस्तान के लिए कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एल इफ और उसके बाद कंट्री इक्वल टू पाक, तो यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के लिए कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं कहूँगा कोड फॉर पाक, ठीक है। और अगर मैं इस कंट्री को अभी चेंज करके पाक करूँ और मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कोड फॉर द यूनिवर्स, कोड फॉर द पाक। तो अभी हम लोग अपने प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लिए स्पेसिफिकली बना सकते हैं। जब हम लोगों को कोड इंडिया वालों, इंडियंस को देना है तो हम लोगों को यहाँ पे कंट्री के लिए इंडिया को स्पेसिफाई करना है और एग्जीक्यूटेबल को बनाना है कंपाइल करके। जो भी एप्लीकेशन हम लोगों को मिलेगा उसे हम लोग इंडियंस को दे सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोगों को अमेरिकन्स को देना है तो कंट्री को चेंज करके यूएस बना सकते हैं और अमेरिकन्स को एप्लीकेशन दे सकते हैं, और पाकिस्तान को भी ऐसे ही कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत सारे कंट्रीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग अपने प्रोग्राम को एक एक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके कंट्री स्पेसिफिक, तो उन लोगों को जो कोड चाहिए सिर्फ वही रहेंगे। और अगर हम लोग अपने नॉर्मल इफ एल्स को यूज़ करते तो पहले ये कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स नहीं, नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स, तो क्या होता है कि सारा कोड जो है वो अपने एप्लीकेशन में रहेगा, क्योंकि प्री प्रोसेसर उन नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है और प्रोसेस नहीं करता है। तो सारा स्टेटमेंट जो है वो अपने एप्लीकेशन पे एग्जिस्ट रहेगा, और वहाँ पे जब अपना प्रोग्राम रन होता है तभी एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है और जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एग्जीक्यूटेबल का साइज जो है वो, अगर हम लोग इस कंडीशनल कंपाइलेशन के स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते हैं तो ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसे यूज़ करने की वजह से जिस कंट्री को जो कोड चाहिए बस उतना ही रहेगा और एक्स्ट्रा लगेज नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया के लिए लिखा है, तो अगर हम लोगों को इस सब कंट्री होने के बाद किसी और कंट्री है तो कुछ और कोड एग्जीक्यूट करना है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये सारे कंडीशन फेल होते हैं तो हम लोगों को कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हैश एल्स और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स को राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कोड फॉर अदर कंट्रीज, ठीक है। अभी इसे सेव करूँगा और यहाँ पे मैं एक और मैक्रो को डिफाइन करूँगा अदर, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा 4, और अभी मेरा कंट्री होगा अदर, ठीक है। मैं अभी इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कोड जो है वो आ गया है, उसके बाद कोड फॉर अदर कंट्रीज़, और जो भी कोड हमने इंडिया, यूएस, पाक के लिए लिखे हैं वो अपने प्री प्रोसेसर के जो आउटपुट है, जो इंटरमीडिएट कोड है, उसमें नहीं रहेगा। और जो भी कोड हम लोग यहाँ पे इस एल्स ब्लॉक पे लिखे हैं स्टेटमेंट्स जो अदर कंट्रीज़ के लिए हैं, सिर्फ वही कंपाइल होंगे और अदर कंट्रीज़ के लिए हम लोग एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ यह है कि यहाँ पे ये एल्स जो है इसे आप लोग सिर्फ एक इफ़ को यूज़ करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कट कर सकता हूँ, ऐसे भी मैं हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग इफ़ और उसके बाद एल्स को यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो अभी एक और चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वो है कि यहाँ पे हम लोग इस कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट जो है इसे नेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इस इफ़, एल इफ़ और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग फिर से इफ़, एल इफ़, एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और मैक्रो टेम्पलेट को डिफाइन करूँगा। तो हैश डिफाइन और यहाँ पे मैं कहूँगा एज,
और उसके बाद मैं अपने एज को स्पेसिफाई करूँगा 18, यू नो, कुछ कुछ वैल्यू। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इस इंडिया है यहाँ पे अगर मेरा एज 18 है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसे लिखेंगे। और उसके लिए हम लोग फिर से कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, हैश इफ़। और अभी यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन को बना सकता हूँ, इफ़ एज, और मैं लिखूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। और उसके बाद हम लोगों को एंड इफ़ यूज़ करना है, और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे जिसे हम लोग तब एग्जीक्यूट करेंगे अगर मेरा एज 18 और उससे ज़्यादा है इंडिया में। तो यहाँ पे मैं कहूँगा प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करके, आई एम एडल्ट, ठीक है। और अगर मेरा एज 18 से कम है तो हम लोग कुछ और स्टेटमेंट को यूज़ एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके लिए मैं यहाँ पे एल्स को यूज़ करूँगा। और यहाँ पे फिर से एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा अब माइनर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रिंट एफ फंक्शन के बाद एक न्यू लाइन डालूँगा, और यहाँ पे भी यू नो आउटपुट को अच्छा बनाने के लिए, नहीं तो ये सारा क्लस्टर होके आएगा तो हम लोगों को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और यू नो आउटपुट अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कंट्री को इंडिया पे चेंज करूँगा, और आप लोग यहाँ पे देखिए ये जी 18 है। मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कोड फॉर द यूनिवर्स, कॉमन कोड जो है वो आ गया है, कोड फॉर द इंडियंस, यू नो इंडिया के लिए जो कोड है वो है। उसके बाद आई एम एडल्ट, ये इसलिए आया कि यहाँ पे अगर आप लोगों के एज 18 और उससे ज़्यादा है तो जो आप जो स्टेटमेंट आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना प्री प्रोसेसर के आउटपुट पे इंक्लूड हो गया है। तो मैं अभी एक बार आप लोगों को प्री प्रोसेसर का आउटपुट को ओपन करके दिखाऊंगा, और हम लोग इसे ठीक से अलाइन करेंगे क्योंकि ये एक क्लस्टर सा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा, और यहाँ पे प्री प्रोसेसर को कॉल करूँगा, और उसके बाद अपने आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल को ओपन करूँगा। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंड पे कोड फॉर द यूनिवर्स, कॉमन कोड, और उसके बाद कोड फॉर द इंडियंस, और उसके बाद उस स्टेटमेंट्स जो अगर मेरा एज 18 और उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूएस का कोड नहीं है, पाकिस्तान का कोड नहीं है, और अदर कंट्रीज़ का कोड नहीं है, और यहाँ पे अगर मेरा एज 18 से कम है तो उसका भी कोड नहीं है। जो कोड हमें चाहिए सिर्फ उसे ही हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, और सिर्फ वो ही हमारे एप्लीकेशन जो एंड पे बनता है उस पे आता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कंडीशनल कंपाइलेशन के बारे में सी प्री प्रोसेसर पे, और इस तरह हम लोग हैश इफ़, हैश एल इफ़, हैश एल्स और हैश एंड इफ़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ करके कंडीशनल कंपाइलेशन को बना सकते हैं। अपने नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इस कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स के डिफरेंस ये है कि इस कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स को अपना प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, और जो भी नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट्स है इफ़ एल्स हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम पे, वो अपना प्रोग्राम जब रन हो जाएगा तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स प्री प्रोसेसिंग के वक्त एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और ये कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट्स कुछ स्टेटमेंट्स को कंपाइल करने का या ना करने का ऑप्शन हमें देता है अपने प्रोग्राम पे, और अपने जो नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो कुछ एक्सप्रेशन ट्रू करता है तो कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उसे नहीं करता है। पर एप्लीकेशन जो बनता है ना उसमें सारा कोड रहता है, पर जब हम लोग कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो कंपाइलेशन से पहले जो सी प्री प्रोसेसर का इनपुट होता है वहाँ पे सिर्फ उस स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करता है जो अपना एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट होने पर मिलता है। तो ये था दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सीखा है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, लर्निंग लैड और लर्निंग लैड हिंदी।